off your feet! Well, so welcome back to Gaming Era. तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा. एनिमे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं BGMS के साथ. Well, कल शाम को मैंने शॉर्ट्स में आपको विदिन अ मिनट एक्सप्लेन किया था BGMS के रूल्स, BGMS के फॉर्मेट के बारे में, यानी बाउंटी हंटर, इम्पैक्ट प्लेयर, पावर प्ले एंड क्या फॉर्मेट रहने वाला है. हर एक चीज आपको बारीकी से एक्सप्लेन करनी थी, वो भी मात्र एक मिनट में. वो शॉर्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, चलो आपको शॉर्ट में ही सारी चीजें यहाँ पे भी बता देता हूँ. पावर प्ले बेसिकली एक ऐसा रूल रहने वाला है जिसमें फर्स्ट सर्कल के अंदर जो भी टीम जिसके भी फिनिशेस निकालेगी पर फिनिश, उनको 2 पॉइंट मिलने वाले हैं. इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा रहने वाला है कि हर एक टीम का IGL एक रैंडम नेम ड्रॉ करेगा अपनी टीम से, एंड उसकी टीम में से जिसका भी नाम उस पर्ची पे होगा वो इम्पैक्ट प्लेयर होगा उस पूरे टीम का. एंड इंटायर मैच में वो बंदा जितने भी फिनिशेस ग्रैब करेगा उसके 2 पॉइंट मिलेंगे. बाउंटी हंटर ऐसा रहने वाला है कि लीग स्टेज के अंदर मैच में जो भी टीम टॉप पर रहेगी उस पे बाउंटी लगेगी, एंड जो भी स्क्वाड उस टीम को वाइप करती है उस टीम को 10 पॉइंट मिलते हुए नजर आ जाएंगे. वेल, ये थे तीनों रूल्स. फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता ही दिया था. बाकी BGMS में यार आपको काफी सारी लाइनअप शफल भी देखने को मिली है. एंड यहां पर हम बात करें फैन फेवरेट टीम की, यानी कि टीम IQSOL की, तो सवाल ये आ जाता है कि बेंच कौन रहने वाला है. देन काफी लोग सिड भाई को इसके रिगार्डिंग सवाल रेज करते हैं, बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये सवाल क्यों आते हैं. सो वेल, रिसेंटली APL इनविटेशनल टूर्नामेंट को IQSOL ने अपने नाम करा है, जिसमें MVP हमें रॉनी देखने को मिले विद 36 टोटल फिनिशेस. एंड इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ. इस टीम के अंदर फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर को लेकर के वोटिंग हुई थी, एंड फेवरेट टीम यहाँ पर IQSOL में देखने को मिली, जिनको मिले 25,000 एज अ विनिंग प्राइस. एंड फेवरेट प्लेयर नकुल में देखने को मिले, जिनको भी मिले 25,000 एज अ विनिंग प्राइस. एंड वोटिंग पोल ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, एंड वोटिंग पोल देखने के बाद आप काफी ज्यादा शॉक हो गए ये देख करके. एंड आप एक चीज नोटिस करोगे कि नकुल की इकलौती वोटिंग यहाँ पर 73.1% में देखने को मिली 14,828 रिस्पॉन्सेज में, एंड जोनाथन की रेटिंग 22.3% देखने को मिली. अब वेल, जो लोग कंफ्यूज हुए कि ये ऐसा कैसे हुआ, देन यहाँ पर एक अपडेट मिली APL की टीम से कि मल्टीपल वोटिंग ऑन थी, मींस एक अकाउंट से अनलिमिटेड वोट्स का एक्सेस था, वो गलती से ऑफ करना भूल गए थे. सो वेल, उस चीज के चलते ये चीज हुआ है. अब वेल, बीच में इसका फॉर्मेट तो यार बहुत ज्यादा सेक्सी है, बट इससे भी अल्ट्रा सेक्सी हमें देखने को मिल रहा है कि यार ओपनिंग वीक में हर टीम के पास बस 4 ही मैचेस हैं. एंड यार सुनने में तो ये भी आया कि आगे जाकर के 2 या 3 मैचेस ही होंगे एक दिन में. वेल, लेट्स सी यार आगे क्या क्या फॉर्मेट आता है, बाकी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है. एंड वहीं अब इन्हीं सारी चीजों के चलते सिड भाई बात करते हुए नजर आ जाते हैं BGMS में प्लेइंग 4 को लेकर के, कि सौम्य बेंच होंगे, जोकर बेंच होंगे, क्या कैसे रहने वाला है. इस फटाक से एड्रेस कर देता हूं, बार बार लोग बहुत ज्यादा ट्विटर पे प्लेइंग फोर कर रहे हैं, तो आप लोग को बता दूं BGMS आ रहा है 7 दिन में. अचानक से अगर वहां पे सौम्य की जरूरत पड़ जाती है ना, तो ऐसे आसमान से नहीं टपका सकते उसको डायरेक्ट, समझ रहे हो. थोड़ा तो उसको टीम के साथ खेलने का आदत करना पड़ेगा, राइट. तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना बंद कर दो यार, कि जोकर ये जोकर वो. जोकर ऑलमोस्ट कितना 2 साल से खेल रहा है टीम के साथ, IGL के साथ. अगर BGMS में जरूरत पड़ गई तो अचानक से एक नए प्लेयर को डाल नहीं सकते ना प्लेइंग फॉर्म में. तो सारे देखो यार, हम लोग ये सब थर्ड पार्टी इवेंट्स है ना, जितना मैं जानता हूँ ना प्लेयर टीम को, ये लोग थर्ड पार्टी इवेंट्स जीतने से ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए खेलते हैं, जितना मैं अपने टीम को, अपने कोच को और अपने एनालिस्ट को जानता हूँ, ठीक है. तो प्रैक्टिस के हिसाब से देखा करो ये इवेंट्स को. प्लेइंग फॉर ये होना चाहिए वो होना चाहिए मत करो. BGMS आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है. BGMS के बाद तुरंत BMPS भी आ रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम टू मेक द एंटायर कॉम्बिनेशन वेरी स्ट्रांग, ताकि कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी इवेंट में जब खेले तब वो अच्छा खेल पाए. इट इज नॉट नेसेसरी कि हो सकता है कि सिर्फ जोकर बेंच हो या सिर्फ सौम्य बेंच हो, क्या पता कल उठ के कुछ नकुल के लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, कुछ रॉनी के लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, मान्या के लाइफ में प्रॉब्लम आ गया. तो भाई कोई भी कॉम्बिनेशन खेले वो कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इस चीज को थोड़ा सा समझो. अगर हम लोग को वो टेंशन नहीं होता तो हम लोग शायद 5th प्लेयर लेते ही नहीं, समझ रहे हो. 5th प्लेयर हम लोग कभी टीम में रखते ही नहीं. तो एनी कॉम्बिनेशन, वो बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है. हर प्लेयर को हर बंदे के साथ खेलने की आदत रहना बहुत जरूरी है. तो मैंने काफी ज्यादा ट्विटर पे देखा यार, ट्वीट्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, जोकर ये डिजर्व करता है, जोकर वो डिजर्व करता है. यार जोकर इज अ वेरी स्मार्ट बॉय. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 लोग का कॉम्बिनेशन साथ में खेलना सीखे, समझ रहे हो. 5 लोग का कॉम्बिनेशन साथ में अच्छे से खेलना सीख ले. इसके लिए ये सब चीजें, ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करना बहुत जरूरी है. आप लोग टेंशन मत लो यार. देखो एंड ऑफ द डे मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर जोकर को लग रहा है ना कि जोकर को उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तो जोकर खुद चला जाएगा यार. आप बात को समझो थोड़ा सा. अगर जोकर को ऐसा कुछ लगा, जोकर को फील हुआ, ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट
ही हिमसेल्फ इज नॉट बिगर देन द टीम, बिगर देन द ऑर्ग. एवरी प्लेयर इन दिस टीम अंडरस्टैंड्स दैट थिंग. ओके, तो एनी बडी कैन बी इन द प्लेइंग फोर, कभी भी कोई भी फिफ्थ बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि सारे प्लेयर को सारे कॉम्बिनेशन के साथ खेलना अंडरस्टैंड कर पाए. ठीक है, तो ये सब इवेंट्स में, थर्ड पार्टी इवेंट्स में, एपीएल जो भी इवेंट चल रहे हैं उसको इतना सीरियसली मत लो. ऑल्सो एपीएल इन्विटेशनल में सौम्य का इंटरव्यू हमें देखने को मिला, एंड यहाँ पर वो सिनर्जी एंड बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. वी हैव सौम्य विद अस. सौम्य, कैसे हैं आप? एंड बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले आईक्यू सोल का हिस्सा बनने की और साथ में हिस्सा बनते साथ ये ट्रॉफी विन करने की. थैंक यू आप लोग कैसे, आप बताओ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और यहाँ पे टीटीआर ने कुछ सवाल सोचे हुए आपको पूछने के लिए, पूछिए सवाल. देखिए, पहले दिन जब मैंने आपका नाम देखा था मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था. तो आप जब खेल रहे थे उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं था, बाकी टीम पर कॉन्फिडेंट था और हूँ भी. चलिए अभी के लिए तो हमें वापस आ गए. हेलो. हाँ, मतलब कोई ऐसा प्रेशर था नहीं और टीम पे कॉन्फिडेंट था, तो आराम से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई. ओके, नाइस. लाइक आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो अभी किस तरीके से बन रहा है? क्योंकि लाइक जब टीम थोड़ा चेंज होता है तो उस टाइम पे थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लगता है, बट आपके टीम को ऐसा लगा नहीं, मतलब इतने सिंक पे चल रहे थे, इसका राज क्या है? नहीं, हाँ, हमारे स्टाफ और मैनेजमेंट और कोच वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा और फिर मैं धीरे धीरे कम्फर्टेबल होता रहा और हमारा हो गया थॉट सब जल्दी ही. काफ़ी अच्छा जवाब है. और ये सवाल मेरा था वैसे, टीटीआर ने ये सवाल छीन लिया. अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछूंगा. बट सौम्य, ट्रुथ टू बी टोल्ड, आप बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं इस समय पे. जिस तरीके से आपकी पूरी टीम खेल रही है, बहुत अच्छा बैलेंस है, सारे के सारे खिलाड़ी बहुत गजब तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम में. एक जो एक आइडियल पिच परफेक्ट बैलेंस की हम बात करते हैं ना, वो आपकी पूरी टीम ने बना के रखा हुआ है. सो अभी आप लोग की सिनर्जी काफ़ी अच्छी चल रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन अब आगे का गोल क्या है, आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? आने वाले टूर्नामेंट में भी सेम तरीके से ही खेलेंगे और अपना बेस्ट देंगे और कुछ नहीं. बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो सोमराज यहाँ पर स्नैक्स की न्यू टीम के रिगार्डिंग लीक देते हुए नजर आते हैं कि स्नैक्स अभी के टाइम पे वीएचटी में ट्राई कर रहे हैं. ऑल्सो आरएनटी लाइनअप के रिगार्डिंग लीक देते हुए नजर आ जाते हैं. सबको पता चला गाइस, हमारी दूसरी टीम वीएचटी में स्नैक्स ट्राई कर रहा है. अभी उसका ट्रायआउट चल रहा है उधर. होपफुली, मैंने बात तो किया था, शायद से ले भी ले, पता नहीं मेरे को, मैं बस आपको अपडेट कर रहा हूँ. RNT के लीग्स है, उसमें सेंसे खेल रहा है, उसके साथ सैफ खेल रहा है और दो बंदे मेरे को पता नहीं. बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़े तो ओशन यहाँ पर एनालिसिस करते हुए नजर आ जाते हैं टीम आईक्यू सोल और गॉड लाइक की गलतियों को लेकर के, जहाँ पर वो ये चीज बोलते हैं कि अगर सोल वर्सेस गॉड लाइक की राइवलरी यहाँ पर हमें देखने को मिल गई, बिकॉज दोनों ही टीम में हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले, देन यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. वी टॉक अबाउट टीम्स लाइक आईक्यू सोल एंड गॉड लाइक, वो राइवलरी उस टाइप की राइवलरी ना भी हो तो भी अच्छा ही है, बट वो सेम मोमेंटम चाहिए जो आईक्यू सोल को आईक्यू सोल बनाता है, जो गॉडलाइक को गॉडलाइक बनाता है. वी ऑल नो, आई मीन जो भी बोलूं, मुझे पता है हेटर्स आएंगे आएंगे, कुछ नहीं कर सकते, बट वी ऑल नो कि भाई वो जो वाइब है ना वो मिसिंग है जरूर. देयर माइट बी अ स्लाइट फैक्टर जो दोनों के लिए कुछ ना कुछ मिस कर रहा है टीम. तो नाम बहुत सारे हैं और बस यही है कि नाम अगर बड़े हैं तो दर्शन भी बड़े रहें. हालांकि हर टीम नहीं जीत सकती, हर टीम लेकिन सीख जरूर सकती है, तो बस यही चीज आती है. एंड जैसा जतिन सप्रू ने एक बार कहा था कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें जीत छुपी होती है ई-स्पोर्ट्स की. वी नीड टू जस्ट सी दैट, वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट, एंड होपफुली ये बीजीएमएस, ये टीम्स, ये प्लेयर्स, इनकी मैनेजमेंट्स सिर्फ अच्छी यादों के लिए याद रखें कि यहां से कुछ एक नया निकला था जो इन टीम्स को, जिनका मोमेंटम इस समय थोड़ा डाउनफॉल में है, भगवान ना करे कि यहाँ पर डाउनफॉल में रहे. मैं तो देखो यार हर टीम का अच्छा ही सोचता हूँ. कुछ टीम्स को उनकी वो चीज़ें भी बताई हैं जो खराब चल रही हैं, तब भी मुझे गालियाँ पड़ी हैं, बट कोई बात नहीं. मैं तो बस यही बोलूँगा, उनको DM भी किया अभी कि भाई थोड़े से ड्रॉप लोकेशंस के अराउंड अगर चेंजेस कर सकें. किसी टीम को मैंने मैसेज किया है कि तुम्हें अपने प्लेयर्स के प्ले स्टाइल में चेंज करना है. कुछ कुछ टीम से हल्की फुल्की बात हुई ज़रूर है, होपफुली कुछ एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, बिकॉज कॉन्वर्जेशन हैं, हुई जरूर हैं, कहीं से रिप्लाइज आए कहीं से रिप्लाइज नहीं आए, बट हमने अपना काम कर दिया है. लुकिंग फॉरवर्ड कि चीज़ें बेटर हों, एंड इफ द थिंग्स आर बेटर, हमसे ज़्यादा खुश कौन है.
बाकी सेकंड चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी है रिगार्डिंग हैकर्स एंड वहां पर काफी सारी बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। पुरानी वीडियोस भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। एंड उस चैनल पर मेरे पर्सनल ओपिनियन है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक माय ओन चैनल जिसपे हाँ मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।